नमस्कार, वेलकम बैक टू इनके मिस्टर क्लास। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे लिखेंगे और साथ में रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे लिख सकते हैं और संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो इसी कड़ी में हमने एक एग्जाम्पल लिया है, उसके माध्यम से हम बताने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार संतुलित रासायनिक समीकरण लिखा जा सकता है। आप ध्यानपूर्वक इन चीज़ों को देखें और आप आसानी से संतुलित रासायनिक समीकरण लिख सकते हैं। रासायनिक समीकरण एक माध्यम होता है रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करने का, जहाँ पे अगर हम आइंस्टाइन के द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम का वो देखें तो उसमें यह कहा गया है कि ना ही द्रव्यमान नष्ट होता है ना ही द्रव्यमान उत्पन्न होता है। ठीक उसी चीज़ को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाता है कि जो हमारा अभिकारक है, अभिकारक मीन जिनके मध्य अभिक्रिया प्रारंभ हुई है, अभिकारक और ये हमारा उत्पाद, ये हमारा अभिकारक है, ये हमारा उत्पाद है, कि अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं, अभिकारक उत्पाद के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। यहाँ इसे आप एलएचएस और आरएचएस के रूप में भी ले सकते हैं। ये हमारा क्या है, एलएचएस, और ये क्या है, आरएचएस। तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि इनका अणु सूत्र क्या होता है। जैसे Fe3O4 है, H2 को H2 लिखा जाता है। फिर उसके बाद हम बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या को देखते हैं, राइट। तो अगर इस अभिक्रिया में हम LHS में परमाणु संख्या देखें तो Fe LHS में एक परमाणु है और RHS में Fe के तीन परमाणु हैं। यहाँ पे Fe के कितने परमाणु हैं, तीन। उसी प्रकार हाइड्रोजन के LHS में दो परमाणु हैं, RHS में भी दो हैं। LHS में ऑक्सीजन का एक परमाणु है, RHS में ऑक्सीजन के चार परमाणु है। तो बैलेंस करने में सबसे पहले हम उस परमाणु को लेंगे जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा हो LHS या RHS में। तो अगर हम इसमें हम देखें तो RHS में O4 ऑक्सीजन की संख्या क्या है, सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे LHS में ऑक्सीजन हमारा सिर्फ एक है, अर्थात अगर हम LHS में ऑक्सीजन की संख्या को चार कर दें तो यह RHS के चार के बराबर हो जाएगी। आइए देखते हैं। तो हमने क्या किया, Fe, अब इसको चार करने के लिए क्योंकि ये H2O का सूत्र है तो यहाँ पे हम O4 तो लिख नहीं सकते, यहाँ पे हम चार आगे इसको लगाएंगे, इसके गुणांक को बढ़ाएंगे और इसको इस प्रकार लिख देंगे 4H2O। अब ये आंशिक रूप से बैलेंस है, अगले स्टेप फिर से और बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो हमने इसे आंशिक रूप से बैलेंस किया तो यह देखा कि अब यहाँ पे चार ऑक्सीजन के परमाणु हैं, यहाँ भी चार ऑक्सीजन के परमाणु हैं। परंतु अब जैसे जैसे समीकरणों को बैलेंस करेंगे आपको नई स्थिति का सामना करना पड़ेगा। अब हमने जब यहाँ पे चार लगा दिया तो 4 × 2 8H, अर्थात अब LHS में हमारे 8 हाइड्रोजन हो गए। तो Fe+4H2O। अब हाइड्रोजन के परमाणु LHS में हमारे 8 हैं, RHS में भी 8 करने के लिए हम यहाँ पे इसके चार गुणांक ऐड करेंगे और ये हो गया Fe3O4+4H2। अब अगर हम बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे स्टेप्स दिख दर्शा रहे हैं कि स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, ठीक है। अब यहाँ पे 4 × 2 4 × 2 8 8H परमाणु यहाँ भी हो गए, 8H यहाँ भी हो गए, चारों यहाँ भी है। अगले चरण में अगर हम देखें तो अब हमें Fe की संख्या को बैलेंस करना है। LHS में यहाँ पे एक Fe है या आयरन, और यहाँ पे तीन आयरन के परमाणु हैं, Fe के फेरस के परमाणु हैं। अब इसके लिए हम इसे अगले स्टेप पे पुनः ले जाएंगे और अब उसके लिए हम यहाँ पे Fe के आगे तीन लगाएंगे, तो 3 Fe+4H2O Fe3O4+4H2। अब अगर आप इस समीकरण को देखें तो पाएंगे LHS और RHS में समान परमाणु है और इसी को कहा जाता है रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना। एक बार पुनः देखते हैं तो LHS में Fe+H2O Fe3O4+H2O हमारा एक समीकरण था, रासायनिक समीकरण, जिसको बैलेंस करने के लिए हमने देखा कि RHS में ऑक्सीजन की संख्या चार थी जबकि LHS में ऑक्सीजन की संख्या सिर्फ एक थी। इसको बैलेंस करने के लिए हमने चार गुणांक ऐड किया जल में, तो हमारा ऑक्सीजन चार हो गया पर हाइड्रोजन की संख्या अब यहाँ पे 8 हो गई। इसको बैलेंस करने के लिए फिर से हमने यहाँ पे चार यूज किया हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। अब जो मात्र एक संख्या बची हमारी Fe की यहाँ पे 3 थी, LHS में हमारी 1 थी, इसलिए हमने LHS में Fe का गुणांक 3 लगाया
और यह हमारा एक बैलेंस रासायनिक समीकरण प्राप्त हुआ जिसमें दोनों तरफ सभी तत्वों के परमाणुओं के उनकी संख्या समान थी। देख सकते हैं Fe3 4 2 8H, 8H 4O 4। तो इस प्रकार आप रासायनिक समीकरण बैलेंस तरीके से लिख सकते हैं। आपको यही ध्यान देना होगा कि सबसे ज्यादा संख्या किसकी है, पहले उस तत्व को चुने और बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप तत्वों को बराबर करते जाए। आइए अब अपने अगले टॉपिक को देखते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो आइए अपने अगले टॉपिक को देखते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो यहाँ पे आपकी क्लास टेंथ की बुक में जो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार दिए हैं वो 4 प्रकार दिए हैं, जिसका सबसे पहला प्रकार है हमारी संयोजन अभिक्रियाएं। तो आइए देखते हैं संयोजन अभिक्रियाएं या कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो जैसा नाम है इसका, संयोजन अभिक्रियाएं, मीन यहाँ पे संयोग हो रहा है, राइट। तो कॉम्बिनेशन कि जब हमारे दो या दो से अधिक अभिकारक, मीन जैसे इस एग्जांपल में देखा था यहाँ पे दो अभिकारक थे, जब दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर कोई एकल उत्पाद बनाते हैं, अर्थात दो अलग अलग अभिकारक हैं वो आपस में जुड़ रहे हैं और कोई एक एकल उत्पाद बन रहा है, इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम संयोजन अभिक्रियाएं या कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। यह सामान्यतः हमारी ऊष्मा क्षेपी होती है। ऊष्मा क्षेपी से अभिप्राय है कि इनके संपन्न होने के बाद ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा क्षेपी है, ये ऊष्मा को उत्पन्न करते हैं, राइट। तो आइए देखते हैं संयोजन अभिक्रियाएं। तो दो या दो से अधिक अभिकारक जब मिलकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक एग्जाम्पल इसका हम देखेंगे, जैसे CaO कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, ये हमारा चूना पत्थर है, चूना पत्थर में हमने जल मिलाया, सॉलिड क्योंकि ठोस था, ये लिक्विड था, चूना पत्थर में हमने जल मिलाया। तो ये हमारे दो अभिकारक हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, चूना पत्थर व जल, दो अभिकारक हैं। अब इन दोनों के अभिकारकों के संयोग से हमारा बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस प्लस ऊष्मा। तो यह हमारी एक संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल था जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड, चूना पत्थर और जल मिलाने पर बुझा हुआ चूना या चूने का पानी प्राप्त होता है, साथ में ऊष्मा मुक्त होती है। इस अभिक्रिया को आप अपने घर में भी देख सकते हैं, जहाँ पे CaOH ट्वाइस हमारा बेरियम में प्राप्त होगा, दैट इज Au एक्वस। तो इस अभिक्रिया को आप अपने घर में भी देख सकते हैं, हार्डवेयर की दुकान से चूना पत्थर ले सकते हैं, उसे आप पानी में डालेंगे तो पानी गर्म हो जाएगा। तो ये हमारी संयोजन अभिक्रिया थी जिसमें हमने देखा कि दो अभिकारक जब आपस में क्रिया करें तो एकल उत्पाद बना और ऊष्मा मुक्त हुई। संयोजन अभिक्रियाएं या कॉम्बिनेशन अभिक्रियाएं सामान्यतः हमारी क्या होती हैं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं, अर्थात इनके अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है, क्लियर। नेक्स्ट अब हम देखेंगे वियोजन अभिक्रियाएं। तो पहला हमने देखा संयोजन अभिक्रियाएं, दूसरा आप हम देखेंगे वियोजन अभिक्रियाएं, अभिक्रियाएं जिसे हम कहेंगे डीकम्पोजिशन या डीकॉम्बिनेशन। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, अभी जैसे इसका नाम है वियोजन, अर्थात यहां पे एकल उत्पाद या एक से अधिक उत्पाद जो है अन्य अभिकारकों में विघटित हो रहे हैं, मीन वो टूट रहे हैं, उनका वियोजन हो रहा है, इस प्रकार की रिएक्शंस को हम वियोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। एक बात और आप ध्यान दीजिए, संयोजन अभिक्रियाओं में हमारा श्वसन अभिक्रिया भी आती है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा एग्जाम्पल्स है। श्वसन अभिक्रिया को आप जरूर देख लें, आपकी बुक में एनसीईआरटी बुक में दिया है, और उस श्वसन अभिक्रिया को अच्छे से समझ लें। नेक्स्ट आता है हमारा वियोजन अभिक्रिया या डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसे हमारे एकल उत्पाद या एकल उत्पाद अलग अलग अभिकारकों में टूटता है, इस प्रकार की अभिक्रियाओं को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रियाएं सामान्यतः ऊष्मा शोषी होती हैं, अर्थात इनके घटित होने के दौरान ऊष्मा का अवशोषण होता है, अर्थात ये इन्हें आगे बढ़ने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि हमारा संयोजन अभिक्रिया में था, ये ऊष्मा उत्पन्न कर रही थी और वियोजन अभिक्रियाएं ऊष्मा अवशोषित कर रही हैं, यह दोनों में मेन डिफरेंस है। आइए एक एग्जांपल देते हैं अपना वियोजन अभिक्रिया का, जैसे फेरस सल्फेट Fe2SO4।
FeSO4 का यहाँ पे वियोजन हो रहा है और हमारा बन गया FeSO4 का वियोजन हुआ। हमने यहाँ पे इसको ऊष्मा दी या ताप दिया तो एक फेरस सल्फेट का वियोजन हुआ। ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस प्राप्त हुई। इसके आगे आप गैस सिंबल यूज करेंगे, दैट इज दोनों हमारी गैसें हैं और ये हमारा सॉलिड है। जैसा कि आप बैलेंस कर सकते हैं इसे, यहाँ पे कुल हमारे दो FeO2 है, यहाँ पे दो Fe हो गया और 4 2 8 O 3 O 2 5 O और 3 8 O। तो ये यहाँ पे वियोजन हो रहा है फेरस सल्फेट का हमारा फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में विघटित हो रहा है। इस प्रकार की अभिक्रियाएं हमारी क्या होती हैं, ऊष्मा शोषी होती हैं, अर्थात अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का अवशोषण होता है। यहाँ पे हमने इसको ऊष्मा प्रदान किया, अर्थात इसको हम जितनी ज़्यादा ऊष्मा देंगे यह अभिक्रिया उतनी ही तेज होगी। नेक्स्ट देखते हैं हमारा तीसरा आता है हमारा विस्थापन अभिक्रियाएं। इसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसा नाम है इसका विस्थापन अभिक्रिया है कि यहाँ पे जब कोई एक अभिकारक होता है उससे कोई अन्य हमारा तत्व अभिक्रिया करके किसी अन्य यौगिक को या लवण को विस्थापित कर देता है। तो जैसे कि अगर हम बात करेंगे, अगर कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालेंगे तो लोहा Fe कॉपर को विस्थापित कर देगा, राइट। इस घटना को आप अपनी लैब में देख सकते हो, वहाँ पे कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को डाला जाएगा तो जो लोहा होगा वो कॉपर को विस्थापित कर देगा और फेरस सल्फेट बनाएगा। तो ये हमारी क्या है, विस्थापन अभिक्रियाएं हैं। तो इसको देखते हैं, तो ये हमारी लोहे की कील थी Fe सॉलिड, इसे हमने कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन में डाला। अब FeCu को क्या करेगा, विस्थापित किया, डिस्प्लेसमेंट किया इसका, तो ये हमारा बन गया FeSO4। यहाँ पर ब्रैकेट के बिना भी आप लिख सकते हैं FeSO4 बन गया और साथ में कॉपर सॉलिड मुक्त हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया, देखा हमने कि Fe ने कॉपर को विस्थापित कर दिया, तो Fe ने कॉपर को विस्थापित कर दिया। अब हाँ, महत्वपूर्ण चीज़ आता है कि आप यहाँ पे देखें कौन सा तत्व किसको विस्थापित कर सकता है या नहीं, या आप विस्थापन सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को उनके लवण के विलयन से उन्हें विस्थापित कर देते हैं। यहाँ पे Fe जो है कॉपर से अधिक सक्रिय है इसलिए कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है, लेकिन अगर Fe की जगह हम कॉपर लें और यहाँ पे फेरस सल्फेट लें तो कॉपर फेरस सल्फेट को विस्थापित नहीं कर सकता है क्योंकि हमारा कॉपर Fe से कम सक्रियशील है। तो ये देखना आपके लिए अनिवार्य होगा कि कॉपर विस्थापित करता है कि Fe विस्थापित करता है। जो अधिक शक्तिशाली होगा वह कम शक्तिशाली को उनके लवण के विलयन से विस्थापित करता है, ये जरूर याद रखें। तो ये विस्थापन अभिक्रिया थी जिसमें हमने देखा कि एक अभिकारक ने दूसरे अभिकारक से के उनके तत्व को उसके लवण के विलयन से उसे विस्थापित कर दिया और नया उत्पाद बनाया। तो ये हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। चौथा हमारा आता है द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, इसे हम कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारा है द्विविस्थापन अभिक्रियाएं या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो यहाँ पे हमारे क्या होंगे, जो अभिकारक होंगे, दो अभिकारक होंगे और दोनों एक दूसरे के लवण के विलयन से एक दूसरे को विस्थापित कर देंगे। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसे कि इस एग्जांपल में देखेंगे हम, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का मिश्रण है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस सोडियम ने बेरियम को विस्थापित कर दिया और सोडियम क्लोराइड बनाया और साथ में बेरियम ने सोडियम को विस्थापित कर दिया और बेरियम सल्फेट बनाया। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जहाँ पे दोनों अभिकारक एक दूसरे के यौगिकों को उनके लवण के विलयन से विस्थापित कर दे रहे हैं। इस प्रकार की रिएक्शन को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये हमारी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हुए जिसमें चार प्रकार हमने देखे, संयोजन अभिक्रियाएं, कॉम्बिनेशन जब हमारे एकल उत्पाद प्राप्त होता है दो या दो से अधिक अभिकारकों से, संयोजन अभिक्रियाएं यहाँ पे योग होता है अभिकारकों का। दूसरा वियोजन अभिक्रियाएं जब हमारा एकल अभिकारक टूटकर अन्य अभिकारकों में अलग अलग टूट जाता है, ये वियोजन अभिक्रियाएं, डीकम्पोजिशन।
तीसरा आता है हमारा विस्थापन अवक्रियाएं, डिस्प्लेसमेंट, कि किसी लवण के विलयन से एक अन्य तत्व उसके तत्व को विस्थापित कर देता है, तो वो हमारा विस्थापन अवक्रिया आता है। जैसे यहाँ पे एफी ने सी यू को विस्थापित कर दिया। और चौथा आता है द्विविस्थापन, जब हमारे दो अभिकारकों में से प्रत्येक ने उसके लवण के विलयन से एक दूसरे को विस्थापित कर दिया। तो हमने ये चीज़ें यहाँ पे देखी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, और साथ में हमने सबसे पहले देखा था रासायनिक समीकरणों को किस प्रकार हम संतुलित करते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन जरूर बजाएं, कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। तो चैनल हमारा देखते रहिए, हमारे वीडियोस वॉच करते रहिए, अपने फ्रेंड्स को भी रेफर करें, कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू आस्क मी। नमस्कार।